तो कल ये बात हो रही थी कि अभ्यास एक में हम स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। मैं द्वारा मैं को देखना यानी चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखना। ये तो अपने को पता लगता है कि दृष्टा तो चैतन्य ही है, जड़ है नहीं। और चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने के क्रम में बेसिकली अगर हम देखें तो दृष्टा भी मैं हूँ, दृश्य भी मैं हूँ, और मुझे इसको देखना है, दर्शन करना है। कठिनाई कहाँ है? कठिनाई से निर्णय लेने में। निर्णय क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि अभी देखने को लेकर बहुत सारी उलझने हैं अपने आप में, उन कारण से निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो धीरे धीरे अपने को इस सुबह की चर्चा के साथ उन उलझनों को दूर करना है। उसके साथ जो भी अन्यत्र ध्यान जाता है, विचार आते हैं, उनको समाधानित करना है ताकि मैं अपने आप को देख पाऊं। यह अभ्यास अभी हम लोग करने वाले हैं। तो कल के असाइनमेंट के आधार पर यदि कहीं कोई प्रश्न बना हो, कोई शेयरिंग हो, कोई कमेंट हो तो अभी रख सकते हैं। तो इसमें दिखता है कि जीवन शक्तियों का अंतर नियोजन कर रहे हैं। अंतर नियोजन मतलब उसको अपने ऊपर आरोपित कर रहे हैं। अभी जो बाहर की ओर आरोपित थे, बाहर ध्यान दे रहे थे, उसके स्थान पर स्वयं पे ध्यान दे रहे हैं। इसमें दिखता है कि मुद्दा देखने का है और दृष्टा मैं हूँ, आंखें नहीं है। आंख तो शरीर का एक भाग है, एक यंत्र है, और स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने के लिए मुझे आंखों के माध्यम से देखना नहीं है। तो आंखों को हम अपने अनुसार कोई स्थिति में रख सकते हैं, खुला रख दें, बंद रख दें, आधा खुला आधा बंद। और क्या मुझे शरीर से कोई काम लेना है? तो शरीर से भी काम ले लेना है। जब दृष्टा ही मैं हूँ और दृश्य भी मैं हूँ तो शरीर से कोई काम तो लेना नहीं है। तो शरीर को भी कोई ऐसी स्थिति में रख दें कि बार बार उसे ध्यान ना देना पड़े। इतने के साथ स्वयं को देखने का काम कर सकते हैं। जी भैया, नेक्स्ट स्लाइड। तो स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने में जो हमें अभ्यास करना है, जब हम अपने ओर ध्यान देते हैं तो अपने प्रति सजग होते हैं। और अपने प्रति कैसे सजग हों, तो इसमें एक आसान तरीका है कि अपनी कल्पनाशीलता के प्रति सजग हों। तो अपनी कल्पनाशीलता को देखें, कल्पनाशीलता में चल रही इच्छा विचार आशा को देखें। तो स्वयं द्वारा स्वयं को देखने में अल्टीमेटली अपनी कल्पनाशीलता को देखना है। और ये ध्यान रखना है कि उसका भी मूल्यांकन नहीं करना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, उसे रोकने का प्रयास नहीं करना है, बदलने का प्रयास नहीं करना है। बस जैसा है, जैसा चल रहा है वैसा देखना है। इस देखने के निर्णय को बनाए रखना है, और निर्णय को बनाए रखने का आधार यह है कि हमें इसका प्रायोरिटी समझ में आए, इसका महत्व तो समझ में आए। क्योंकि तो अपने को पता लगता है धीरे धीरे कि सारा सुख दुख यही है, सारी मान्यता यही है, सारी परतंत्रता भी यही है, स्वतंत्रता भी यही होना है ना। निरंतर सुख भी मुझ में ही होना है, उसका आधार भी स्वयं में सही समझ सही भाव ही होना है कि नहीं। तो स्वयं में, स्वयं से, स्वयं के लिए मुझे काम करना है। तो पहले स्टेप में देखें तो कल्पनाशीलता के प्रति सजग होना है। और कई बार जब हम सजग होने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझे इसको देखना ही है किसी भी तरह से। तो कई बार हम उस पर बहुत फोर्सफुली प्रयास करते हैं, उसको नहीं करना है, ना उसको बदलना है, ना कुछ इम्पोज करना है, आरोपित करना है अपने ऊपर। ठीक, जैसा चल रहा है वैसा देखना है। क्या लगता है, काम कर सकते हैं कि बिना मूल्यांकन किए, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना उसको बदले ना, बस को देखना है, चल क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, उसको भी देखने जाएंगे कल्पनाशीलता को। तो उसमें इच्छा विचार आशा तीनों ही शामिल है। ठीक, तो आपको कई बार पता लगे आप चयन करते रहते हैं, आपको पता नहीं लगता ना। आप विचार कर रहे हैं उसका पता नहीं चलता, आपके अंदर कोई इच्छा बनी हुई है उसका हमें पता नहीं चलता, कुछ आस्वादन हो रहा है हमारे अंदर, सुख का, दुख का, आराम का, परेशानी का, हमको पता नहीं चलता। बट धीरे धीरे सजग होते हैं सब पता लगने लगता है। उसमें भी विचार तक तो हम फिर भी थोड़ा प्रयास करते हैं, देख पाते हैं, भाव का हमें पता नहीं लगता। और जैसा पहले भी चर्चा में आया कि अल्टीमेटली परिमार्जन तो भाव से ही शुरू होना है ना, विचार में सीधा सीधा परिमार्जन होना नहीं है, परिमार्जन तो भाव में होना है। ये हम चित्रण से चिंतन की ओर गति करते हैं। तो शुरुआत में अपने विचार के प्रति सजग हो जाते हैं और फिर उसके साथ हम भाव के प्रति सजग होने का काम करते हैं। हमको भाव दिखने लगे, हमको भाव स्पष्ट होने लगे,
क्योंकि इसी भाव के साथ मेरा सुख है दुख है, इसी भाव की अनिश्चितता के कारण मैं कभी दुखी कभी सुखी होता रहता हूँ, इसी भाव की परतंत्रता के कारण सुख का स्रोत बाहर लगता है। तो मुझे अपने भाव के प्रति सजग होना है। ये काम हम धीरे धीरे अपने आप में करने लगते हैं। जी, इतने को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो, तो उसको रख सकते हैं। तो हमें भी ऐसा करते हैं, एक अभ्यास करते हैं कि स्टेप वन में जो बात हो रही है कि मुझे अपनी कल्पनाशीलता को देखना है, तो 10 मिनट ये अभ्यास करते हैं, अपनी कल्पनाशीलता को देखने का प्रयास करते हैं। प्रयास ये करना है कि उसे मूल्यांकन नहीं करना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है, रोकना नहीं है, बदलना नहीं है। एज इफ आपके सामने कोई दृश्य चल रहा है और आप उसे देख रहे हैं कि अभी ये भाव उठा, अभी वो भाव उठा, अभी ये विचार चला, अभी वो विचार चला। जी, सुरेंद्र प्रताप जी। नमस्कार सुरेंद्र भैया। प्रताप जी। जी नमस्ते। ये अभी आपने एक शब्द बोला है कि भाव की परतंत्रता के कारण सुख बाहर दिखता है, ये जी, भाव की परतंत्रता कैसी होती है, इसको कैसे भाव समझा की जाए? स्वतंत्रता मतलब दूसरे से कोई अनुकूल भाव पाकर सुखी होने का जो अभ्यास है। अनुकूल भाव के प्रति आकर्षित होने का अभ्यास। जी, दूसरे से कोई अनुकूल भाव मिल जाए, कोई तारीफ कर दे, कोई प्रशंसा कर दे, कोई हमको अच्छा कह दे, कोई बड़ा कह दे, कोई ध्यान दे दे। तो इसको ध्यान ना दिया जाए। अभी देखिए, ध्यान तो देंगे, बट इससे जो हम सुख जोड़े रहते हैं उससे बाहर निकलना है। क्योंकि यदि हमने इसके साथ सुख को जोड़ा हुआ है, तो सुख की कभी निरंतरता नहीं हो सकती। क्योंकि बाहर से जो भाव मिलेगा ना, तो उसमें निश्चितता है ना निरंतरता है। समय के साथ, व्यक्ति के साथ, परिस्थिति के साथ बदलता रहता है। तो हम बिल्कुल ध्यान देंगे इस बात पर कि दूसरा हमारे प्रति क्या ओपिनियन रखता है, हमारे प्रति कैसा भाव शेयर करता है, बिल्कुल रखेंगे। क्योंकि उससे हम अपना भी मूल्यांकन कर पाएंगे, दूसरे का मूल्यांकन भी कर पाएंगे। बट जैसे ही हम उसे सुखी होने जाते हैं, तो समस्या है। क्योंकि हमको अच्छा, दिखता है कि सुख का जो निरंतर सुख का जो स्रोत है, वो तो स्वयं में सही समझ, सही भाव का सुनिश्चित होना है। दूसरे से पाकर कुछ सूचित जो हम सुखी होने का प्रयास करते हैं, वो ठीक नहीं। क्योंकि बाहर से जो मिल रहा है एक सूचना मात्र है। इतना जरूर कि अगर किसी व्यक्ति ने हमारे लिए कोई अच्छा शब्द नहीं कहा, तो हम जरूर अपना मूल्यांकन करेंगे कि अगले व्यक्ति के अंदर ये विचार क्यों उठा, इसने मुझे कोई अपशब्द कहा या मेरी कोई आलोचना की। बिल्कुल ध्यान देने का मुद्दा है ना। परंतु दूसरा कोई अनुकूल शब्द कहेगा तो मैं सुखी होऊंगा, प्रतिकूल कहेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, ये ठीक नहीं। तो परस्परता में हम व्यवहार करते हैं, उसमें हम एक दूसरे का मूल्यांकन भी करते हैं, दूसरे का मूल्यांकन का हम सम्मान भी करते हैं, उसको ध्यान देते हैं ना, उसको सुनते हैं। परंतु यदि मैं सुखी होने के लिए उस पर निर्भर हो जाता हूँ, दूसरे के मूल्यांकन पे, दूसरे से मिलने वाले भाव पे, तो समस्या है। लेकिन भैया कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है, अगर कुछ विरोध भाव आ रहा है, कोई दे रहा है, या कुछ जो पसंद बात नहीं है, जो लाइकिंग में नहीं है वो आ रही है, तो उसको फिर कैसे उससे उसका उन्मूलन किया जाए? इसलिए तो अभ्यास एक कर रहे हैं कि पहले भाव के लिए सजग तो हो, अच्छा तब तो परिमार्जन होगा। ठीक, जी भाव के प्रति पहले सजग हो तब परिमार्जन होगा। जी ठीक है भैया, बहुत अच्छा। प्रिया भैया, तो हम लोग 10 मिनट का समय लेते हैं। 10 मिनट हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं। आप चाहें तो एक कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। शुरुआत में जब ध्यान देने जाएंगे, तो हो सकता है आपका अपने विचारों की ओर ध्यान जाए। तो एक डायग्राम बनाना शुरू कर सकते हैं। कैसा डायग्राम? तो जैसे जिस भी बिंदु पे ध्यान गया, उसको मार्क कर लें, नोट कर लें। जैसे अभी बैठे अच्छा, हुए हैं, भैया म्यूट कर लीजिएगा। तो जैसे बैठे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो विचार में कहीं किसी और ध्यान गया, तो कल की कोई घटना याद आ गई आपको,
ठीक है ना, किसी मित्र से कोई बात हो रही थी तो ये लिख लिया हमने इसको, चाहे अभी लिख लिया चाहे बाद में लिख लिया, बट एक कल्पनाशीलता एक बिंदु तो पकड़ में आया, कल मित्र के साथ जो बात हो रही थी उस पर ध्यान गया। फिर उसे हो सकता है उसे कॉलेज की ओर ध्यान चला गया, या ऑफिस की ओर, या किसी है ना ऐसे ही वातावरण की ओर ध्यान चला गया। फिर वहां से किसी अन्य व्यक्ति की ओर ध्यान चला गया, वहां से परिवार की ओर ध्यान चलाया, परिवार में किसी सदस्य पे ध्यान चला गया, तो सदस्य फिर कोई पुरानी घटना पे ध्यान आ गया, फिर पुरानी घटना से फिर जो घटनाकलाप याद कर रहे थे उस पर ध्यान चला गया। तो ऐसे हमारी कल्पनाशीलता की वस्तु जो है माइग्रेट करती रहती है, यहाँ से वहाँ, वहां से यहाँ, उसको नोट करते चले। फिर उसके बाद उसमें देखना शुरू करें कि जब कल की उस घटना पे आपका ध्यान गया था तो आपके अंदर भाव क्या था, क्या भाव बन रहा था आप, है ना, जो भी भाव बन रहा था उसका भी मूल्यांकन भी ना करें, उसको जैसा भी देख पा रहे हैं उसको लिख लें। तो कल्पनाशीलता में जो कुछ चल रहा है उसको नोट करना है, उसको हम सीधे सीधे भी नोट कर सकते हैं, कॉपी पेन लेकर भी नोट कर सकते हैं, बट आपको दिखाई देगा कि इन जनरल हम बह जाते हैं अपने कल्पनाशीलता में। किसी घटना पर ध्यान गया, कल की बीती घटना, और उसी उधेड़बुन में चले गए, अब दृष्टा भाव चला गया हमारा, देखने का भाव चला गया, हम बह गए, है ना, अगले व्यक्ति ने कोई बात कही, हम प्रतिक्रिया में आए, और उस प्रतिक्रिया में हम अपने विचारों में विश्लेषण करने लगे, चयन करने लगे कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, ये ठीक होना नहीं बना, एंड सो ऑन, ऐसे हम चयन करने लगे, हम बह गए उसमें, दृष्टा भाव चला गया। तो जो पहले से ही बात हो रही है कि मूल मुद्दा तो दृष्टा भाव को बनाए रखने का है, दृष्टा भाव को और प्रगाढ़ करने का है, विकसित करने का है, शुद्ध दृष्टा के रूप में स्थापित होने का है। तो यदि दृष्टा भाव ही चला गया, बह गए हम उसी विचार में, तब तो कोई उपलब्धि नहीं है, फिर तो घंटों हम बैठे ही रहते हैं, चिंतित रहते हैं, सोचते रहते हैं कि नहीं, उसमें कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तभी है उतनी ही देर में है जितनी देर में दृष्टा भाव बना रहे। तो इस दृष्टा भाव को बनाए रखते हुए कल की कोई मतलब जो भी आपके कल्पनाशीलता में चल रहा है ना, उसको आप नोट कर लें, नोट कर लें और उसको नोट करते चलें बिंदुवार ढंग से, फिर उसके प्रति हम और सजग होने का प्रयास करेंगे, वहाँ भाव को देखने का। बेसिकली कल्पनाशीलता में चल क्या रहा है वो तो हम पकड़ पाए, क्योंकि ज्यादातर से हमारा ध्यान बाहर की ओर रहता है, शरीर में कुछ घटना हो रही है उस पर ध्यान है, बाहर कोई घटना हो रही है उस पर ध्यान है, मुझ में क्या हो रहा है, हम उसमें बहते रहते हैं बट हमको पता नहीं रहता, जैसे हम बह रहे हैं बट हमको पता नहीं कि विरोध का भाव है, रिएक्शन में है ना, उस उधेड़बुन में है, अंदर तू तू मैं चल रहा है, हमको पता भी नहीं कि विरोध का भाव है, तो पता तो चले कम से कम। तो इसको नोट करते जाना है, इसको ध्यान देना है, तो अभी 10 मिनट का हम लोग समय लेंगे, इसको नोट करेंगे भैया, अगर वो स्लाइड अपने पास हो जो पिछली बार हम लोग यूज कर रहे थे, इस ऑब्जर्विंग द सेल्फ फॉर 10 मिनट्स, तो उसको लगा सकते हैं, अन्यथा इस स्लाइड को सामने रखकर हम लोग अपनी ओर ध्यान दे सकते हैं। तो अभी 10 मिनट का समय लेते हैं, 6:44 हो रहा है, फिर 6:54 पे आपसे बात शुरू करेंगे। इस बीच अगर आपने पेन और कॉपी जुटा लिया हो तो बहुत अच्छा है, उसको रख ले और इसको देखें, इसको नोट करें, और ये काम आज हम दिन भर करेंगे। जी ठीक है भैया, तो वो शायद परीक्षित भैया और बीएन भैया के पास है वो स्लाइड, बढ़िया। तो हम इस काम को शुरू करते हैं अगले 10 मिनट के लिए, तब तक मैं कोई प्रश्न नहीं लेता हूँ, हम कोई प्रश्न रखते भी नहीं है, ठीक है ना, बस ऑब्जर्व करते हैं। आंखों की स्थिति को आप चुन लें, जैसे भी होनी ठीक लगती है आपको, शरीर की स्थिति को चुन लें, बट इतना रहे कि दृष्टा भाव बना रहे, यानी ऐसा नहीं कि रजाई में घुसकर हम सोचे कि देखते रहेंगे और सो गए तो बात नहीं बनेगी, है ना, दृष्टा भाव को बनाए रखना है, शरीर का वही पोस्चर चुने जैसे दृष्टा भाव बना रहे, आंखों की वही स्थिति चुने जिससे दृष्टा भाव बना रहे। जी करते हैं इसको। तो ये जो अभी हम लोगों ने 10 मिनट किया, इसको आज दिन भर कर सकें तो दिन भर करें, नहीं तो हर 4 घंटे पे कम से कम 15 मिनट के लिए करके देखें, कहीं भी हैं, कॉलेज में हैं, घर पर हैं, जहां भी आपको लगता है इत्मीनान से बैठ सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, तो अपनी ओर ध्यान ले जाए। वो जो 4 घंटे बाद आप 15 मिनट अपने ऊपर काम करेंगे, वो पूरे दिन भर का आपका एक क्रम सेट कर देगा, ऑब्जर्वेशन का एक अभ्यास सेट कर देगा। तो ऐसा नहीं कि आप के अंदर कुछ चल रहा है आपको पता नहीं होगा, ये रुक रुक कर जब हम
अपने ऊपर ध्यान दे देते हैं ठीक से ना, तो जो अवेयरनेस की प्रवृत्ति बनती है हमारी, वो फिर कंटिन्यू करने लगती है और धीरे धीरे वो प्रगाढ़ हो जाती है। तो कल्पनाशीलता के प्रति सजग होना है, ये एक मुख्य काम है जी। तो अभी पिछले 10 मिनट में ऑब्जर्व करते हुए किन्हीं का कोई प्रश्न बना हो, कोई शेयरिंग हो तो रख सकते हैं। तो वो पार्ट वन था जो उन्होंने किया स्टेप वन ए में। 1B में कह रहे हैं कि अगर अपनी कल्पनाशीलता को देखने का काम सीधा सीधा नहीं हो पा रहा है, तो प्रारंभ में विचार को देखने से काम शुरू कर सकते हैं। विचार देखने लगे तो उसके आधार में जो इच्छा है उसको देखने का काम करें, अंततः पूरी कल्पनाशीलता को देखने का काम करना है जी। स्वाति जाधव जी, नमस्ते भैया। जी नमस्ते भैया, ये जो आपने बोला था अभी 10 मिनट हमने जो स्वयं को स्वयं के द्वारा देखने का जो काम किया, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने बराबर से किया या नहीं, क्योंकि ये बिना मूल्यांकन करे या बिना प्रतिक्रिया किए ऐसा होना चाहिए था आइडियली। लेकिन मैं जो देखती हूँ, तो मैंने वैसे आपने जैसे बताया वैसे बिंदु ड्रॉ करके मैंने पूरा दिन भर का कल का चित्रण किया कि क्या क्या हो रहा था मेरी कल्पना में मैंने देखा, लेकिन हर जगह मूल्यांकन हो रहा था, है ना। विचार इसको प्रभावित हो रहे थे और जी विचार जी भैया जी आप बोलिए। नहीं नहीं आप बता दीजिए फिर हम बात करते हैं जी। मतलब जो मैं देख रही थी हर एक प्रसंग में इमीडिएट मूल्यांकन, कितना भी मैं खुद को रोकूं तो फॉर एग्जांपल एक मिनट में मैं बता सकती हूँ क्या हुआ, एक दो एग्जांपल बता सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो सपोज कल संडे था, लेकिन हमारे यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है कॉलेज में, तो हम कॉलेज जाना चाहते थे। कॉलेज यहाँ से 70 किलोमीटर है मेरा, तो हम लोग कारपूल करते हैं, तो कोऑर्डिनेटर थी तो मुझे एकदम टाइम पे जाके कॉन्फ्रेंस शुरू करनी थी, जो वर्चुअल थी फिर भी शुरू करनी थी। तो जो जिनके साथ हम कारपूल करते हैं वो अचानक से नहीं आए, तो विरोध की भावना हो गई मेरी। अभी विचार करते हुए भी कल तो हुई थी कि अरे मुझे तो कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, मुझे ओपनिंग सेशन ओपनिंग स्पीच देना है और 70 किलोमीटर जाना है, और अचानक से किसी ने बोला कि अभी मैं नहीं आ रहा हूँ, दूसरे कोई आएगा, तो टेंशन आ गया। तो मैं मूल्यांकन करने लगी, फिर जिनके साथ गई उन्होंने बराबर से हमारा हुआ, तो विरोध की भावना नहीं थी, रिलेशन की भावना थी। तो हर जगह मतलब ऐसे दिन भर का वो जो चलता रहा, कहीं विरोध कहीं एंग्जाइटी, अच्छा हुआ प्रोग्राम तो रिलैक्स हो गए, फिर समाधान हो गए, फिर हैप्पी हो गए, ऐसा ये सब दिन भर का जो मैं सोच रही थी, तो हर जगह मेरे से मूल्यांकन हो रहा था। मैं फिर क्या करना चाहिए, मैंने कैसे ये गलत किया, तो राइट क्या चीज होनी चाहिए थी मेरे कल्पना, मैं को देखने में, ये जरा थोड़ा भैया स्पष्ट करिएगा। तो मूल्यांकन अपने को करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करना है, बट हम लोग पहले स्टेप में तो मियरली सजग होने का प्रयास कर रहे हैं। स्टेप 2 और 3 में जाएंगे तो हम लोग मूल्यांकन करेंगे भी, फिर आगे और मूल्यांकन करेंगे। तो जैसे आपने एक निर्णय लिया कि मुझे कल की पूरी घटना को देखना है, तो वैसा नहीं करना था। अभी इस क्षण जो भी आपके अंदर चल रहा है, तो क्या हुआ, जैसे हमने प्लान किया कि कल की पूरी बात को देखना है, तो हमने डे मतलब मॉर्निंग से शुरू किया, पूरे डे लॉन्ग हमने देखा अपने आप को, तो उसकी अभी आवश्यकता नहीं थी। फिर वो क्या हुआ, एक इम्पोजिशन जैसा हो गया, एक चूप यहाँ ये हो गई, एक इम्पोजिशन हो गया। राइट नाउ आपके अंदर क्या चल रहा है विचार में, कल्पनाशीलता में, भाव में, उसको देखना था। अच्छा। और जब हम जी देखेंगे तो हमें पता तो लगता है कि हम वहां पे आराम में हैं कि परेशान है, ये हमें पता लगता है, ठीक है ना जी। परंतु क्या होता है कि यदि हम उसको फोकस में ले आए, तो फिर अपने परेशानी को दूर करने के लिए फिर विचार एक नए सिरे से करना शुरू करते हैं। तो अभी उसकी जरूरत नहीं है, अभी तो ये कहा जा रहा है कि जो भी आपके अंदर नेचुरली चल रहा है उसको ऑब्जर्व करें। तो कल की घटना भी याद आ सकती है, तभी घर में हो सकता है बर्तन की आवाज आई तो परिवार के सदस्य की ओर ध्यान गया, है ना, तभी मोबाइल में कोई मैसेज आया, मोबाइल की ओर ध्यान चला गया,
कभी फिर अपने अंदर जो चल रहा था पहले से कल्पनाशीलता में उस पर ध्यान चला गया, उसमें फिर कल के जैसे आपने बताया कि कूलिंग थी और वो आया नहीं सज्जन जिनको आना था, तो फिर उनकी ओर ध्यान चला गया। फिर उनसे कोई पुरानी बात हुई होगी ऐसे ही कि कूलिंग को लेकर पहले भी ऐसी घटना हुई जिससे परेशानी हुई थी, उधर ध्यान चला गया जी। तब तक शरीर को ध्यान आ गया। तो ये पाएंगे अगर बिल्कुल नेचुरली ऑब्जर्व करें, उसको हम सिस्टमेटिक ना बनाए, तो जैसे जैसे हमारे ध्यान की वस्तु माइग्रेट कर रही हो पकड़ में आती है। और आपको दिखेगा कि आपका नोट करने का टाइम तो हो सकता है मिनट, आधा मिनट, 10 सेकंड ऐसा है, बट सेकंड सेकंड में बदल रहा है वस्तु जी। तो दीदी अभी इसको स्टेप वन में ऐसा करना है, मूल्यांकन करेंगे हम, अगर है ना ऐसा लग रहा है कि आराम में है या परेशान है ये भी पता लग रहा है, बहुत अच्छी बात है ठीक। बट उसने मुझे जैसा किया कार पुलिंग करके ना, सॉरी अवेलेबल ना होकर वो गलत किया या सही किया, ये जो हम मूल्यांकन में जाते हैं इसको नहीं करना, नहीं तो फिर क्या होगा कि हाँ फिर हम एक नए क्रम में चले जाएंगे। तो अभी तो मियरली अवेयर होना है, तो वहाँ परेशानी हुई, टेंशन हुआ, समय पे नहीं पहुंचेंगे, है ना, लोग फिर हमारे से जो फीडबैक देंगे अच्छा नहीं देंगे जी जी, फिर आगे कोई घटना हो सकती है, तो वो तो ठीक है, वो पता लग रहा है आपको, दैट इज फाइन जी 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 भैया, वैसा करेंगे क्योंकि ऐसा था ना कि मैं बात करूं एक मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसा था कि कल का जब सब अच्छा हुआ तो मैं वो भूल गई थी, आज मैंने फिर से उसको दोहराया तो जो विरोध की भावना पॉजिटिव हो गई थी वो आज अभी सुबह फिर उनके बारे में सोच के विरोध की हो गई, तो ये अच्छा नहीं हुआ। मुझे लगा कि ठीक है कल भूल गए थे, बाद में विरोध की भावना मैंने मतलब ठीक है माफ कर दिया था, मेरा प्रोग्राम तो हो गया अच्छा, तो आज फिर से सोचा तो ऐसा लगा अरे मैंने ये अच्छा नहीं किया, मैंने फिर से विरोध में गई मैं उनके सोच के। जी जी देखिए उसमें भी क्या है ना, जैसे हम लोग जैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और हमको भाव प्रति सजगता बढ़ेगी, फिर हम जैसे उसमें परिमार्जन के लिए काम करेंगे तो पता लगा कि अगला व्यक्ति जो हमको पुलिंग में लेके जाने वाला है ठीक है ना, उसकी अपनी कोई समस्या हो सकती है, एंड बग हो सकता है कि बच्चे का तबीयत ठीक नहीं था उनको रुकना पड़ गया, या इन लॉज आ गए उनको रुकना पड़ गया, व्हाटएवर कुछ भी कारण हो सकता है जी, जी। तो हमको प्रोएक्टिवली भी एक मैकेनिज्म समझ में आता है, जैसे पुलिंग करते हैं तो जो भी डिसाइडेड टाइम रहता है उसके आधा घंटा 15 मिनट पहले कॉल करके कंफर्म कर लेते हैं कि पहुंच पा रहे हैं कि नहीं जी, क्योंकि अपने को पता है कि अगले कोई अगर बहुत ही व्यक्तिगत समस्या हो जाएगी तो नहीं आ पाएगा। तो होता क्या है कि जब हमारा संबंध का भाव होता है तो हम एक नए ढंग से विचार करते हैं कि अगले कोई समस्या हो ही सकती है, अगला व्यक्ति मान लीजिए किसी को पिक करते हुए हमको पिक करेगा, रास्ते में ट्रैफिक जाम हो सकता है, रास्ता खराब हो सकता है, रास्ता बंद हो सकता है, तो क्यों ना पहले से पूछ के कंफर्म कर लिया जाए कि नहीं जी, और दूसरे विकल्पों पे भी तैयार रहा जाए कि अगर दूसरा व्यक्ति कहीं फंसा ही है नहीं आ पाएगा तो क्या होता है, फिर वो हमारे पूरे थॉट प्रोसेस में आ जाता है, फिर जो डिपेंडेंस होता है ना कि अगर घटना हमारे अनुकूल हुई तो सुखी अन्यथा दुखी, ऐसा नहीं होता, हमें दूसरे की स्थिति भी समझ में आती है और हमें भी पता है कि दूसरा व्यक्ति हमारे घर तक पहुंच पाएगा जब बहुत सारी चीजें अनुकूल होंगी, रास्ते में जाम नहीं होगा है ना, कहीं बंद नहीं होगा रास्ता, तो घर में कोई परिस्थिति प्रतिकूल नहीं होगी, अगले का स्वास्थ्य ठीक होगा, गाड़ी ठीक होगी, गाड़ी कहीं रास्ते में पंचर नहीं होगी, इसमें 25 चीजें हैं कि नहीं। जी 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 जी, जी। सच में अप एंड डाउन करने में वो यस यस वो तो हमने देखना है। जी जी भैया थैंक यू, नमस्ते। तो इसके प्रति सजग होना जैसा है तो ऐसा नहीं कि हमको पिछले दिन का विचार करना, हम सभी के लिए मैं कह रहा हूँ, दीदी के लिए भी मैं करता कि जैसा चल रहा है आपको कई बार पता लगे, जैसे आप सुबह उठे है ना प्रॉपरली फ्रेश नहीं हो पाए, कॉन्स्टिपेशन की ओर ध्यान गया, फिर कोई घटना की ओर ध्यान गया, फिर घर में किसी सदस्य की ओर ध्यान गया, फिर कहीं और ध्यान गया, जैसा चल रहा है उसको नोट करते जाना है एक सिलसिलेवार ढंग से, और पता चलेगा कि अगर आंख मूंद के भी आप अगर ध्यान दे रहे हैं तो आंख मूंदे मूंदे भी आप लिखते चले जा सकते हैं, क्योंकि आपको ही देखना है ना, आपको ही पकड़ना है उस चीज को। जी कृष्ण जी नमस्ते। भैया नमस्ते। भैया जो देखने का काम है ये मैं थोड़ा पहले से भी कर रहा था, तो मेरे लिए बहुत आसानी थी कि मैं अपने विचारों की पूरी सीक्वेंस को देख पा रहा था
लेकिन एट ए टाइम उसके पीछे भाव क्या है वो नोटिस नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि कल मेरा जन्मदिन था और 8 तारीख को वेडिंग एनिवर्सरी है जिसको मैं 11 तारीख को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो सीक्वेंस जैसे कल भी मैंने जो मॉर्निंग शॉर्ट में बताऊंगा भैया, कल मॉर्निंग में भी हमारे यहाँ एक UHV की वर्कशॉप के बाद एक ग्रुप बन गया, तो हम डिस्कशन करते हैं सुबह 7 से 10, तो वहाँ भी थोड़ा सेलिब्रेशन किया। फिर उसके बाद एक फ्रेंड की वेडिंग एनिवर्सरी थी वहाँ भी गया, उसके बाद मेरी जो बर्थडे थे उस पर जो गेस्ट आ रहे थे उनको भी उनके साथ भी सेलिब्रेट किया था। तो पूरी जो विचार में जो स्टार्ट हुआ मेरा कि पूरे दिन के कार्यक्रम में जहाँ जहाँ हैप्पीनेस था, जहाँ जहाँ अनुकूलता थी वो याद नहीं आया, और एक फ्रेंड से शुरू हुआ जिसके साथ थोड़ी सी कन्फ्यूजन से अनुकूलता नहीं बनी थी वहाँ से शुरू हुआ, फिर उसके पीछे जो 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 फ्रेंड्स आए थे वो सारे आए। ये पूरे इस घटनाक्रम में जो वेडिंग एनिवर्सरी वाला पार्ट था मुझे बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि मेरे जन्मदिन से संबंधित सारी घटनाएं मेरे सामने घूमी लेकिन वो नहीं घूमी। फिर आगे स्विच ओवर हुआ तो वेडिंग एनिवर्सरी के प्लानिंग का थोड़ा सा विचार चल रहे थे, लेकिन इसके बीच में जैसे एक विचार, इसको हम क्या कहेंगे कि मैं बदल रहा हूँ, कि ये जो अभी वर्कशॉप अटेंड किया या जो अभी चर्चाएं कर रहे हैं उससे मन में फिर ख्याल आने लगता है कि ये जो है मेरे विचार उसके साथ चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, और फिर थोड़ा उस पर भी चलने लगते हैं, उसी चीज पर चलने लगते हैं। तो इस तरह का एक कॉम्बिनेशन था, पूरा पूरा फ्लो था। अब इनके पीछे जो इनके पीछे भाव जो थे वो मेरे को नहीं दिख रहे थे। जी, तो देखिए क्या होता है, जब हम इस तरह का एक रे डायग्राम बना लेते हैं ना पॉइंट टू पॉइंट, तो आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ी देर बाद लौट कर आप उन पॉइंट्स को देखिए कि एक एक बिंदु पे आपका भाव क्या था। आप वहां पे आराम में थे, परेशान थे, बट हम लोग आगे करेंगे काम, बट आगे जैसे जैसे करेंगे ये स्पष्ट होगा आपके अंदर विरोध का भाव था या संबंध का भाव था, ठीक है ना। जैसे आपने अभी बताया कि मुझे पता लगा कि जहाँ पे मुझे थोड़ा आराम महसूस हुआ उस पर ध्यान नहीं गया, बट जहाँ परेशानी हुई उस पर ध्यान गया, तो ये तो आपको पता ही चला कि यहाँ मुझे परेशानी हो रही थी, इतना तो पता, यही तो भाव है कि मैं वहाँ परेशान हुआ, परेशानी का भाव हुआ। यहाँ पे भी भैया एक बात थी कि उस बात से मेरे मित्र परेशान हुए थे, और क्योंकि ये जो वर्कशॉप अटेंड किया तो उसे एक समझ बनी थी, और ये समझ भैया बहुत गहरी बनी है कि चाहना दोनों की सही है, योग्यता में कमी है। ये तुरंत उसी समय दिखने लगता है कि यार ये समझ नहीं पा रहा इस बात को और परेशान हो रहा है, उससे थोड़ी सी परेशानी महसूस हुई, उसको तुरंत संभल भी गया, चर्चा में ही संभल गया कि यार उसकी योग्यता नहीं, तो उसको इस तरह से समझाया जा रहा, वो समझ भी गया उस बात को और वो चीज ठीक भी हो गई। लेकिन विचार वहीं से शुरू हुआ, पहला जो विचार आया था वहीं से स्टार्ट हुआ। हाँ ठीक है, ठीक है, वो तो ठीक है, जहां से विचार चलना शुरू हुआ उसको हमने नोट कर लिया, उसके साथ ये भी पता लगने लगता है धीरे धीरे कि भाव क्या है। तो वहां पे हमारे अंदर संबंध का भाव था या विरोध का, तो संबंध का भाव बना रहा, अगर हमको इंटेंशन पर डाउट नहीं हुआ तो संबंध का भाव बना रहा, नहीं तो इरिटेशन शुरू हो गया, इरिटेशन भी एक भाव है कि हम इरिटेट होने लगे। भैया वो एक एक मिनट में रिजोल्व भी हो गया, जो बिगड़ रहा था एक मिनट में रिजोल्व भी हो गया सारा मैटर। बिल्कुल बिल्कुल भैया, देखिए ऐसा तो होता ही है, जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करने लगते हैं हम अनर्गल भाव को कैरी नहीं कर पाते, बहुत जल्दी ही रिजोल्व होने लगता है। अभी जो हमने अभ्यास किया था उससे संबंधित क्वेश्चन नहीं, लेकिन कल मॉर्निंग में हमने जो चर्चा की थी अपनी इसी से संबंधित जो चर्चा थी, जो हम लोग यहाँ जो मित्र हैं 20-25 मित्र मॉर्निंग में 7 से 10 इकट्ठा होके हर संडे गोष्ठी करते हैं, तो उसमें कुछ एक कंक्लूजन पे कहीं पहुंचे थे, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जब भी आपको समय हो। हाँ, अगर इससे रेलिवेंट है तो अभी कर दे, अन्यथा कभी कॉल करके बात कर ले। इससे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन उसमें हम कंक्लूजन पे पहुंचे थे, समझ पे पहुंचे थे, वो समझ ठीक है या नहीं वो मुझे थोड़ा सा मतलब आपसे चर्चा करके उसको तय करना था, क्योंकि जनरली वहाँ थोड़ा सा मॉडरेट मैं ही कर रहा था, तो फाइनल कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे थे, तो वो मैंने ही उसको दिया था, जो कि टेम्पररी सुख, सुख और परमानेंट सुख से संबंधित था। अच्छा ठीक है, तो मुझे लगता है सबके लिए उपयोगी हो सकता है, आप ब्रीफली रख दीजिए, उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। जी भैया, तो मैंने जो समझा भैया, अभी हम जो बात कर रहे थे उस स्लाइड के अंदर B1 और B2 वाली स्लाइड में, जहाँ पे 5 जो आपने एक कलर में किया था, 5 एक कलर में था, उससे संबंधित बात कर रहा हूँ मैं। तो भैया B1 में जो है, जो मैं भी समझाऊं, क्योंकि जहाँ मैं अटका हुआ था बहुत समय से, बहुत सालों से, तो B1 में भैया जो इच्छा, हम जो इच्छा की बात कर रहे हैं, बाकी दोनों नीचे जो है वो तुलन और विश्लेषण, आस्वादन और चयन, ये तो पूरा क्लियर भी हुआ, जो कि विचार और आशा का पार्ट है, और इसके बेस में इच्छा है ये भी क्लियर हुआ भैया, और इच्छा में चित्रण और चिंतन है,
तो मैं ये देख रहा हूँ कि चित्रण जो है वो जनरली कई सारी चीजों से है, मान्यता से है, संवेदना से है, तो उसके आधार पर जो भी हमें सुख मिल रहे होते हैं वो टेम्परेरी सुख होते हैं, और जैसे ही चित्रण चिंतन पे शिफ्ट होता है कि मेरा जो सुख है वो कहीं कहीं मेरे साथ हारमोनी में है, मेरी फैमिली के साथ हारमोनी में है, और समाज के साथ है, नेचर के साथ है, एग्जिस्टेंस इन सभी पे हारमोनी में है, तो मेरा जो सुख है वो सुख है, बाकी जो है वो टेम्परेरी सुख है। और उसके बाद जो ये सब हारमोनी बनते बनते जब हम अनुभव तक पहुंचते हैं तो परमानेंट सुख होता है। इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर देते हैं। तो अभी क्या होता है, यदि ब्लॉक B1 में काम नहीं हुआ है और ब्लॉक B2 में चल रहे हैं, तो टेम्परली उन क्रियाओं में कभी हार्मनी हो जाती है, तो होता यह है कि जो बाहर से सूचना मिली और जो मान्यता हमारे अंदर बनी हुई है उन दोनों मैच कर गई, तो टेम्परली उन दोनों में हार्मनी हो जाती है। जैसे हमारी मान्यता बनी कि अगला व्यक्ति आए तो मेरा पैर छुए फॉर एग्जाम्पल, और आया उसने पैर भी छू लिया, तो उस समय जो हमारी स्थिति होती है वो एक टेम्पररी हार्मनी की होती है कि हमने ऐसी आशा की थी तो आशा पूरी हो गई, हमने मान्यता बनाई हुई थी कि उसको पैर छूना चाहिए और आकर उसने पैर नहीं छुआ, है ना, तो वो आशा वहां पूरी नहीं हुई, तो टेम्पररली हम उससे परेशान हो जाते हैं। तो होता यह है कि यदि हमारे अंदर भाव का चिंतन ना हो पाए, हमारे अंदर बोध की क्रिया जागृत ना हो पाए, अनुभव की क्रिया जागृत ना हो पाए, तो टेम्पररली जब हमारी मान्यता के अनुसार कोई घटना घटित होती है स्वयं में या परस्परता में, तो हम टेम्परली हार्मनी में आ जाते हैं, उसके प्रतिकूल होती है तो डिसहार्मनी में आ जाते हैं। यह हमारा सुख दुख में उतार चढ़ाव लगा रहता है। चिंतन के साथ क्या होता है कि जो जो भाव हमको चिंतन में आते हैं उन भावों का सुख हमको बना रहता है, तो ऐसा भी नहीं कि चिंतन के साथ निरंतरता हो जाएगी। जैसे विश्वास का भाव चिंतन में आ गया तो विश्वास के भाव का सुख बना रहेगा, यानी कभी किसी पे इंटेंशन पे डाउट नहीं होगा, उसका सुख बना रहेगा, उसका दुख चला गया डाउट और इंटेंशन का, उसका सुख बना रहेगा। परंतु मुझे यदि प्रकृति की व्यवस्था स्पष्ट नहीं है, प्रकृति के अन्य कायों के साथ संबंध स्पष्ट नहीं है, तो उसमें फिर उतार चढ़ाव लगा रहेगा। तो क्रमशः क्या होता है, एक एक करके भाव हमारे चिंतन में आते हैं, परस्परता में जो भागीदारी है हमको चिंतन में आते हैं, संबंध चिंतन में आता है, उसके साथ जुड़ी हुई इकाई की स्वयं व्यवस्था हमारे बोध में आती है, तो हमारा उन भावों का सुख धीरे धीरे बनता जाता है। जिन भावों का चिंतन हो गया, जो बोध में स्पष्ट हो गया, उसका सुख बनता जाता है, परंतु उसमें अभी भी ब्रेक रहता है। क्यों? उस पर्टिकुलर भाव के सुख को लेकर नहीं होगा, परंतु जब किसी अन्य इकाई के साथ हमारी परस्परता बनेगी जिसका ना तो हमें चिंतन हुआ है ना बोध हुआ है, उस पर शंका भय बना रहेगा, उसका दुख बना रहेगा। तो जब हम अनुभव की स्थिति में आते हैं और पूरा स्थिति को सहस्तित्व के रूप में देख लेते हैं, तब कोई इकाई बची नहीं जिसके साथ हमको संबंध स्पष्ट ना हो। चारों अवस्थाओं की व्यवस्था को पूर्णतया स्पष्ट है, चारों अवस्थाओं की इकाइयों के साथ परस्परता में जो भागीदारी है वो भी पूर्णतया स्पष्ट है, तो निरंतर सुख की स्थिति बन जाती है। तो फिर उसको ऐसे रखने की जरूरत नहीं है कि टेम्पररी सुख सुख है निरंतर सुख। निरंतरता उस भाव में तो होगी ही जो हमको चिंतन में आ गया, जो भाव चिंतन में आ गया उसका सुख तो निरंतर रहेगा, बट जो भाव चिंतन में नहीं आया उसका सुख निरंतर नहीं होगा, ये मामला है। जी भैया जी, मैं भी हमने भी यही कंक्लूड किया था भैया। और इसमें एक बात और आई थी भैया कि जो हम चिंतन की बात कर रहे हैं, इसमें जो लेयर्स हैं मन वृत्ति चित्त और बुद्धि, जो ये हैं चीज अनुभव, ये भैया इसमें एक चीज आई थी कि चिंतन से हम शुरू कर रहे हैं और हम रियलाइजेशन तक पहुंच रहे हैं, ऐसा ही है भैया? चिंतन से शुरू होगा हमारा जो प्रोसेस है और फिर ये वृत्ति चित्त और ये पूरा प्रोसेस होते हुए तो हम अनुभव को पहुंचेंगे, या अनुभव होगा उसके बाद हमारा चिंतन ठीक होगा? दोनों ही नहीं। देखिए, शुरू तो हम यहाँ से कर रहे हैं जहाँ खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं तो हो सकता है हम अभी आशा के स्तर पे जी रहे हैं, हो सकता है हम विचार के स्तर पे जी रहे हैं, हो सकता है कि हम इच्छा के स्तर पे जी रहे हैं, तो जहाँ खड़े हैं वहां से चलना शुरू करेंगे। तो शुरुआत तो ब्लॉक B2 से होगा, चिंतन से नहीं, फिर इसमें क्रमशः हम चिंतन बोध में जाएंगे। नहीं, ब्लॉक B2 से जो B1 में शिफ्टिंग है, चित्रण से चिंतन में जो शिफ्टिंग है, वहां से तो स्टार्ट होगा भैया। हाँ, तो ज्ञान की शुरुआत वहां है, चित्रण से चिंतन में। चित्रण से चिंतन में शिफ्टिंग भैया ये है कि जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मेरे भाव है, ये सारी व्यवस्था में भागीदारी के साथ लयबद्ध हो जाए, संगीतबद्ध हो जाए। अगर ये संगीतबद्ध होगा तो हम हारमोनी में रहेंगे और ये जो है चिंतन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो चित्रण वाला पार्ट है। ठीक है, फिर
ऐसे ही है भैया जी। तो चित्रण में जो कुछ चल रहा है वहाँ भाव तो है, परंतु भाव भी अस्पष्ट है, चिंतन में जाकर स्पष्ट होता है जो सहज स्वीकृत भाव है, फिर उसे बोध, फिर अनुभव। अब एक बार अनुभव हो गया तो उसके यहाँ पर सारी क्रियाएं व्यवस्थित हो गई, पूर्ण हो गई, जो अभी आंशिकता में चल रहे थे, चिंतन पूर्ण हो गया, बोध पूर्ण हो गया, उसके साथ कल्पनाशीलता में तृप्ति की निरंतरता हो गई। तो शुरुआत अगर देखें तो जिसको शुरुआत अगर नाम देना चाह रहे हैं तो ज्ञान की शुरुआत तो चित्रण से चिंतन में जाने में है, वो तो ठीक है, उसके आधार पर फिर आगे बोध, आगे अनुभव, फिर उसके बाद जितना जितना हमारे चित्रण से चिंतन में भाव स्पष्ट हो गया उसके आधार पर कल्पनाशीलता में तृप्ति हो गई, तो क्रमशः भाव स्पष्ट होते गए और कल्पनाशीलता में उन भावों को लेकर तृप्ति होती चली गई। अभी भी ऐसे ही हो रहा है, जैसे हमको सुविधा की आवश्यकता सीमित है अगर समझ में आ जाए ठीक, तो उतने का तो हमारे कल्पनाशीलता में तृप्ति हो जाती है ना कि हाँ पर्याप्त है, तो ऐसा नहीं कि अनुभव पहुंचेंगे तब जाके समृद्धि का भाव होगा। तो सुविधा की आवश्यकता स्पष्ट हो गई, उसको लेकर तो तृप्ति हो गई, परंतु सुविधा होती क्या है, ये भोजन कपड़ा मकान अपने आप में है क्या, इसके साथ मेरा संबंध क्या है, ये जो अस्पष्टता है ये चिंतन बोध में जाकर होगा। तो जैसे सुविधा है ये प्रकृति से आ रही है, चाहे पेड़ पौधों से आ रहा है, चाहे है ना मिट्टी हवा पानी से आ रहा है, तो मिट्टी हवा पानी की स्वयं व्यवस्था क्या है, पेड़ पौधे क्या है, ये मुझे बोध में स्पष्ट होता है, इनके साथ मेरी भागीदारी क्या है, ये चिंतन में स्पष्ट होता है। परंतु ये जो हमको प्रस्ताव सुनने को मिला उसके साथ जो कल्पनाशीलता में पहले मान्यता थी कि सुविधा की आवश्यकता अनंत है, साधन सीमित है, उसका तो हम काफी हद तक मूल्यांकन कर पाए, तो उसको लेकर जो हमारे अंदर पहले अतृप्ति थी वो काफी कम हो गई और समृद्धि का एक भाव बना, भले ही उसमें कंटिन्यूटी नहीं है क्योंकि बोध और चिंतन पे काम नहीं हुआ, परंतु एक समृद्धि का भाव बना ठीक है ना। परंतु उसके आधार में शंकाएं भी बनी हुई है, जब ये अवस्थाएं स्पष्ट होती हैं तो शंका भी दूर हो जाती है, जब मेरा शरीर का अंतर स्पष्ट होता है तो और ठीक से दिख जाता है अपने को, सुविधा तो शरीर के लिए मात्र है, जो शरीर से मुझे मिल रहा है वो सूचना मात्र है, तो सुख नहीं है, ये बातें जब स्पष्ट होती हैं तो समृद्धि का भाव भी ठीक से स्पष्ट होता है। तो ये धीरे धीरे स्पष्टता कल्पनाशीलता में बढ़ती है, जैसे अभी हो भी रहा है वर्कशॉप करते हुए, और फिर चिंतन बोध अनुभव में जाकर वो स्थापित हो जाता है कि हाँ ऐसा ही है। समृद्धि के भाव पर अगर स्पष्टता क्लियर हो गई है और सच में अनुभव की बात नहीं कर रहा हूँ भैया क्योंकि अनुभव बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन ऐसा ये मुझे 24 आवर्स 365 डेज ऐसा लगता है कि मेरा समृद्धि वाला पार्ट कंप्लीट है, मुझे वहां पर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी, तो ये मेरी क्या स्थिति बताती भैया? देखिए उसको और ठीक से ऑब्जर्व करिए है ना, कई बार क्या होता है कि अभी तुमको लगता है कि समृद्धि का भाव स्पष्ट है, परंतु जैसे ही कोई अपने सामने कोई नई बात रखता है, किसी ने एक मकान ले लिया या है ना, या कहीं किसी अवसर पे गए और अगले के पास कोई कीमती साधन है आदि आदि हो सकता है, तो हो सकता है हमारी कल्पनाशीलता प्रभावित हो जाए उससे। अगर नहीं नहीं भैया, अगर कल्पनाशीलता प्रभावित नहीं हो रही है तो इस स्थिति को क्या समझेंगे, समझना चाहिए उसको आपको स्वयं में देखना होगा। तो या तो हमको समृद्धि का भाव दिख गया है, समझ में आ गया है, पर समृद्धि का भाव एसेंशियली देखें तो क्या है कि मैं और शरीर का जब तक अंतर स्पष्ट नहीं हो जाए ठीक से, मैं चैतन्य इकाई के रूप में, शरीर जड़ इकाई के रूप में, और सुविधा शरीर मात्र के लिए आवश्यकता है, जब तक यह स्पष्ट नहीं होता तब तक समृद्धि का भाव भी ठीक से स्पष्ट होता नहीं है। तो ये अपने को कल्पनाशीलता में लोकेट करके देखना होगा कि ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है या अभी तक जैसी परिस्थिति बनी हुई है कल्पनाशीलता में उसको लेकर एक आराम की स्थिति बनी हुई है, जिसको मैं समृद्धि का भाव कह रहा हूँ। ये तो खैर अपने मूल्यांकन के लिए है ना, ये तो मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, ये अपने आप में ही देखना होगा। इनफैक्ट जब तक हमको ये स्पष्ट ना हो जाए कि सुविधा क्यों है, शरीर क्यों है ठीक है, मेरा गंतव्य क्या है, शरीर का मेरे जीने में प्रयोग क्या है, ये सब चीजें जब तक ठीक से स्पष्ट नहीं होती कहीं ना कहीं ये चीजें हमको प्रभावित करती रहती है। बट इसको अपने आप में ऑब्जर्व करें, कई बार ऐसा होता है कि विचारों में जितना हमने विश्लेषण किया उसके साथ एक तृप्ति बन गई ठीक, तो हमको लगता है ये बात समझ में आ गई, बट कहीं विश्लेषण जाके अगली बार कहीं किसी मुद्दे पे फंसता है तो फिर हमको लगता है कि अब इसमें और समझना शेष है, ये पॉसिबिलिटी रहती है। तो तात्विक रूप से अगर आप देखें तो भाव का स्पष्ट होना चिंतन में है, इकाई की स्वयं व्यवस्था स्पष्ट होना बोध में है, इसका
फलन है कि हमारे अंदर समृद्धि का भाव बन जाता है। ये रिपीट करिए ना वापस, इकाई का जी भाव का चिंतन में स्पष्ट होने के बाद आपने बोला इकाई का कुछ, आपने बोला एक बार इकाई की स्वयं व्यवस्था, तो मैं की स्वयं व्यवस्था क्या, शरीर की स्वयं व्यवस्था क्या है, सुविधा जो ले रहे हैं हम प्रकृति से उसकी स्वयं व्यवस्था क्या है, ये जब तक ये ठीक से स्पष्ट नहीं होती, ये जो उसका एक फलन है समृद्धि का भाव, ठीक है ना, उसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बना रहता है, बट अपने को लगता है कि अगर स्थापित हो गया तो वेल एंड गुड, उसको लेकर हम चले आगे, बहुत अच्छी बात है, उसको क्यों क्वेश्चन करें मैं, है ना, उसको क्यों क्वेश्चन करूं, तो उसको लेके चले, बट यदि कहीं आगे लगता है कि नहीं अभी पूरी बात नहीं देखी है तो और काम कर लेंगे। भैया एक क्वेश्चन वो था कि जब ये वर्कशॉप अटेंड किया है तो बहुत सारे जैसे नए शब्द आए हैं, तो अब जब किसी से बात करते हैं तो एक तो भाव बनता है कि थोड़ा उनसे शेयरिंग करें इस बारे में भी, मतलब एक छोटा सा मैसेज उन तक पहुंचे कि इस तरह की विद्या अवेलेबल है, और जब बताते हैं तो उसमें ये आस्वादन चयन या इस तरह की जो बात आती है भाव की, तो ये अब अनायास ही आ रही है, तो ये ठीक है क्या भैया? प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ आपका। भैया जैसे ये वर्कशॉप किया और मैं ये मॉर्निंग का भी अटेंड किया है, तो भाव के तल पर कुछ जो भी घटा है अंदर, तो अब जैसे कल मेरा जन्मदिन था, मेरे चार स्टूडेंट मुझे विश करने आए, तो मैं उनके साथ सेलिब्रेट, मतलब उनके साथ जो भी मेरे पास खाने पीने का था वो एंजॉय करते हुए बातचीत में थोड़ी सी इस समझ की ही बात कर रहा था कि सुविधा और संबंध के बारे में एक राइट अंडरस्टैंडिंग की बात, जो वो बच्चे वर्कशॉप अटेंड नहीं कर पाए थे, तो मैं उनको कह रहा था कि आप ये नहीं कर पाए, और इसका मेन फोकस यहाँ पे था, और भविष्य में आप भी, मेरा एक प्रपोजल है कि जब भी समय मिले एक बार ये वर्कशॉप जरूर अटेंड करें आप, तो उसमें कई बार समझाने में ये सारे शब्द आ रहे थे, भाव आस्वादन चयन और ये सारे उदाहरण जो आ रहे थे, तो उसमें कई सारे मेरे पर्सनल उदाहरण थे, तो ये मैं जब समझा रहा था तो अब वो आए उस बर्थडे के लिए, तो मेरी पत्नी भी सुन रही थी किचन से, तो वो ये बोल रही कि अभी बच्चे आए सेलिब्रेट करने आए और आप इनके साथ इस तरह की बातचीत करते हो, और मैं देख रहा हूँ कि मैं मेरे मित्र से भी मिल रहा हूँ, तो थोड़ी सी जहाँ भी मौका मिलता है थोड़ा सा देखता हूँ कि ओपनिंग है, वहाँ पे इस तरह की बात शुरू हो जाती है, तो क्या भैया ये ठीक डायरेक्शन में है या मैं कहीं अपनी चीजें आरोपित करने की कोशिश कर रहा हूँ? देखिए ठीक डायरेक्शन में तो इस रूप में है कि जब मुझे अपने आप से शेयर करने का मौका मिलता है तो मैं समझ और भाव को शेयर करता हूँ, इस रूप में तो ठीक है, बट दूसरा कितना रिसीव कर पा रहा है उसका मूल्यांकन भी करते रहना जरूरी है, तो दूसरे की आशा क्या बनी हुई उस अवसर पर, है ना, उसको एक बार हम देख ले, तो क्या होता है कि दूसरा जैसे इन्वॉल्व, दूसरा इन्वॉल्व होके इंक्वायरी कर रहा है, वापस जानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो बात कर रहे हैं वो उससे पीड़ित हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं उनसे, पेरेंट्स से, तो बच्चों की सबके साथ डिफरेंसेस चल रहे हैं, तो वो आगे होके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि हाँ ये बात तो है सर, बिल्कुल ठीक है, अगर बच्चों में जिज्ञासा है ना, तो बिल्कुल उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे, और देखिए ये अवसर ऐसे होते हैं जहाँ पे हम संबंध को पहचानते हैं ठीक से और उसको निर्वाह करने के लिए कार्यक्रम बनाते हैं, तो ऐसे अवसरों का तो इसी रूप में सदुपयोग होना ठीक है, जन्मदिन के अवसर पर हम इस बात को शेयर करें कि शरीर चलाने का पर्पज क्या है, ठीक, पूरी शरीर यात्रा की उपलब्धि क्या है, बिल्कुल इस पर बात करें, अदरवाइज तो फिर वो संवेदनाओं और मान्यताओं में ही जीना चलता रहता है, ये वो अवसर होते हैं जब हम स्वयं में भी बैठकर देखें कि मैं में क्या उपलब्धि हुई, अगर हम 40 साल के हो गए तो मैं में क्या उपलब्धि हुई इन 40 सालों में, शरीर तो बड़ा हो गया, सुविधाएं कमाने लगे, नए संपर्क संबंध बन गए, मैं में क्या उपलब्धि हुई, ब्लॉक B1 में क्या उपलब्धि हुई, ब्लॉक B2 में कितना सेटल हो पाए, यही सब तो करने का काम है सही मायने में, और यही हम बच्चों को भी कन्वे कर सकते हैं, तो जब उनसे बात करें तो अगर ये टेक्निकल शब्द आते भी हैं और वो समझ पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, बिल्कुल, देखिए जो हमारे अंदर है वही हम शेयर करेंगे, हमारे अंदर यदि समझ और भाव के प्रति एक निष्ठा बनती जा रही है तो वही शेयर करेंगे, और अच्छा है फिर बच्चे आपसे रिलेट भी उसी आधार पर करेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। और यही बात मैंने मेरी पत्नी को भी बोला था, मैंने कहा आपने अच्छे अच्छे खाना वाना बनाया तो आपने उनको खिलाया, तो आपके पास जो था आपने शेयर किया, मेरे पास ये था तो मैंने ये शेयर किया उनके साथ में। जी 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 भैया, थैंक यू भैया, बढ़िया। तो हमें आज इस अभ्यास को करना है, है ना, तो जैसा हम लोगों ने अभी किया भी कि विचार को देखने से काम प्रारंभ किया, तो विचार को देखने से चले, और ये जो बात हुई कि अपने जो भी कल्पनाशीलता में चल रहा है उसको ऐसे डॉट्स लगाकर हम ऑब्जर्व करते चलें, उसको लिखते चलें, इसको आप करेंगे तो अपने प्रति होश बनेगा, मेरे अंदर क्या चल रहा है ना, ये जो बाहर जो समाज में चल रहा है
संसार में चल रहा है उसको तो बहुत सारा ध्यान रहता है, मेरे अंदर क्या चल रहा है उस पर होश आएगा और आपको धीरे धीरे दिखाई देगा कि चूंकि सारा सुख दुख मेरा यहीं पे है तो ये मेरे लिए प्राइमरी इशू है ना। फिर अगर इस पर हमारा ध्यान ठीक से जाएगा तो जो बाहर से सूचनाएं लेनी है उसमें भी हम सेलेक्टिव हो पाते हैं। ऐसा नहीं कि बैठ कर हम एक क्राइम रिपोर्ट देखने लगे और आधा घंटा निकल गया, ठीक है ना। तो समाज में क्या हो रहा है उसकी सूचना हमें मिल जाए बट उसके जो बहुत रस लेते हैं उससे हम निकल पाएंगे तो हम अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे। तो आप आज से हम लोग ये अभ्यास करें कि हर 4 घंटे पे बैठ के है ना ये जो भी सुबह अभ्यास के बिंदु आ रहे हैं उसको अपने आप में अभ्यास करें, यथासंभव उसको नोट भी कर लें। आप चाहें तो सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में एक जर्नल सा बना लें उसको नोट करते चलें, है ना। पर्सनल होती हैं चीज़ें तो आप पर्सनली इसको अपने पास प्रिजर्व करके भी रखें ताकि आप उसको निर्भय होकर लिख भी सकें जो भी आपके अंदर भाव विचार चल रहे हैं। तो कल्पनाशीलता में चल रही इच्छा विचार आशा को देखने का प्रयास करना है, विशेष रूप से अपने भाव अपनी इच्छा पर फोकस करना है। तो ऐसी स्थिति बनती है धीरे धीरे कि मैं अपनी इच्छा यानी भाव विचार और आशा को देख रहा हूँ, विशेष रूप से अपनी इच्छा यानी भाव को देख रहा हूँ और स्वयं में चल रही कल्पनाशीलता को देख रहा हूँ जैसा चल रहा है वैसा ही, बिना मूल्यांकन किए, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना कुछ सुपरपोज किए, इम्पोज किए हुए, रोकने का प्रयास किए, बदलने का प्रयास किए हर क्षण। आप पाएंगे कि बहुत ही सरल परंतु महत्वपूर्ण स्टेप है ना, क्योंकि यहीं में यहीं से हमारा सुख दुख है, यहीं से हमारा संक्रमण शुरू होना है। तो इनिशियली अगर भाव नहीं दिख रहा है तो बहुत परेशान ना हो, इसमें समय लग सकता है। और आप पाएंगे कि जैसे ही भाव दिखने लगते हैं उसका मूल्यांकन भी शुरू होने लगता है, जैसे अभी शेयरिंग में भी आया तो स्टेप 2 और 3 में तो करेंगे उसको, परंतु अभी कम से कम कल्पनाशीलता के बिंदुओं को तो पकड़े, ध्यान से देखें। अभी क्या है, हम बहुत गैप्स के साथ देखते हैं, क्षण क्षण में नहीं देख पाते, या कुछ इम्पोज करके देखते हैं अपने अंदर, क्षण क्षण में नहीं देख पाते। तो जैसा चल रहा है वैसे, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कहा जाए कि सामने एक नदी बह रही है और आप किनारे खड़े होकर देख रहे हैं, वैसे ही आपकी कल्पनाशीलता आपके लिए दृश्य है और आप दृष्टा है, ठीक है ना, और आप वहां से देख रहे हैं। शरीर से आने वाली सूचना है उससे कुछ कल्पनाशीलता चली, आपके अंदर कोई पुरानी घटना का स्मरण है उससे कुछ कल्पनाशीलता चली, जो भी चल रहा है उसको देखते जाना है, उसको नोट करते जाना है। तो आज के लिए हमारे लिए असाइनमेंट रहेगा। वाह बढ़िया, तो आशुतोष भैया कह रहे हैं कि उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन लिखना शुरू कर दिया है, बहुत ही अच्छा। तो हम लोग स्पेसिफिकली जो जर्नल हम लोग लेकर चल रहे थे उसको तो बनाए रखें और उसके साथ अब इस बारीकी से ऑब्जर्वेशन को लिखें, और आप अगर उसको खुद जाकर 1 महीने बाद स्टडी करेंगे तो हो सकता है आपको अंदर एक परिमार्जन दिखाई दे कि पहले क्या क्या चीजें चल रही थी कल्पनाशीलता में, कितने ग्रॉस लेवल पे चल रही थी, है ना। एक घटना को आती है क्राइम की और वो आपके लिए मुद्दा बन जाता है, बट अब जो चल रहा है ना वो कितने बारीकी से आप देख पा रहे हैं। तो ये जो अभ्यास सत्र चलेगा ये इस अभ्यास सत्र के दौरान ही हो सकता है आपको बहुत सारा अपने अंदर परिवर्तन परिमार्जन देखने को मिले, तो आपके लिए रिकॉर्ड भी रहता है ना। तो इसको विधिवत हम करते चले और इस काम को हम स्टेप 1 में शुरू किए हैं बट इसको बनाए रखना है क्योंकि यहीं से आगे का काम भी होगा। आप पाएंगे कि जब हम फर्दर स्टेप्स में जाएंगे तो सकता है कि ये वाला स्टेप छूटने लगे, तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि इसके ऊपर ही धीरे धीरे चीजें बिल्डअप होंगी। तो इसको बनाए रखना है, अभ्यास को देखते रहना है, ठीक है ना। और उसको उससे उलझना नहीं है, जूझना नहीं है, है ना। ऐसा नहीं कि अब देखो मैं यही उलझा हुआ हूँ, यही विचार चल रहा है, ऐसा नहीं। उसको स्ट्रगल नहीं करना है, बस ऑब्जर्व करना है और एक्सेप्ट भी करना है। हाँ अभी मेरी स्थिति यही है, इस क्षण तो मेरी स्थिति यही है, देखो मैं अभी प्रभावित हो रहा हूँ किसी संवेदना से, किसी मान्यता से, दूसरे के व्यवहार से, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ ऐसा है, मेरी स्थिति आज के दिन इस क्षण यही है, उससे उलझना नहीं। तो इसको हम करते चलें, हर 4 घंटे पे हम लोग प्रयास करें, नोट कर लें, कम से कम एक बार बैठ के तो अपने आप में ऑब्जर्व तो कर ही लें कि चल क्या रहा है जी। तो इसको हम आज दिन में करेंगे, हो सके तो दिन भर करेंगे और फिर कल हम लोग इसके आगे बात करेंगे। तो समय हो चला है, यहाँ रोक लेते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।